आज के इस विशेष सत्र में मैं आपको हिंदी के एक ऐसे पद की जानकारी देने जा रहा हूं जिसके सृजन का प्रस्ताव यूपीएससी में भेजा जाने वाला है। अर्थात अगर वह पद सृजित हो जाता है तो लगभग 150 लोगों की एक साथ भर्ती निकलेगी। इस पद पे ग्रेड पे होगा 5400 रुपये, अर्थात ग्रुप ए की सर्विस होगी, और साथ में इसमें आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन नहीं मांगा जाएगा। तो आखिर वह पद कौन सा है, आइए इस विषय पर हम जानते हैं। जो भी अभ्यर्थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा देते आए हैं या देने के इच्छुक हैं उनको पता होगा कि 2018 के बाद हिंदी प्राध्यापक की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह कहकर बंद कर दी थी कि अब से यह भर्ती यूपीएससी करेगी, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। काफी दिनों से लोग पूछते रहे कि प्राध्यापक की भर्ती कब आएगी, अब जाकर के संशय के बादल छंटे हैं और अब गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने एक लोगों के लिए जन सूचना जारी की है जिसमें उन्होंने लोगों से प्रस्ताव मांगा है। आइए हम अगले वीडियो में जानते हैं कि वह प्रस्ताव क्या है, उसके लिए क्या आवश्यक शैक्षिक योग्यता होगी या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, कितने पद होंगे, यह सारा विवरण आइए हम आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, यह जो पत्र आप देख रहे हैं ये पत्र क्रमांक है, भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग लिखा हुआ है, इनका यह पत्र है और इन्होंने कार्यालय ज्ञापन जारी किया है 31 मार्च 2022 को। राजभाषा के वेबसाइट पर आप इसको ढूंढ सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, देखिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक भाषा, यह नया पद है। अभी तक आपका सहायक निदेशक राजभाषा हुआ करता था, अब ये सहायक निदेशक भाषा पद। इसके लिए भर्ती नियम बनाए जाने पर हितधारकों से टिप्पण विचार सुझाव लेना, यह इनका विषय है। इसमें इन्होंने देखिए लिखा है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को उपरोक्त के संदर्भ में तमाम जानकारी लिखा है कि 30 दिन के अंदर हितधारकों अर्थात स्टेक होल्डर से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। क्या टिप्पणियाँ हैं, संस्थान को निर्देश दिया जाता है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो भी है अपलोड करवाएं तमाम जानकारी। अब क्या ये पद है, आइए हम बात करते हैं। सबसे ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय राजभाषा ने मांगा है। इसमें जो पद है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंग्वेज लिखा हुआ है, मतलब सहायक निदेशक भाषा, 150 पद इसमें 2022 के लिए सृजित किया गया। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड अपॉन वर्कलोड, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। क्लासिफिकेशन क्या कहा है कि ये ग्रुप ए होगा, गजेटेड होगा और नॉन मिनिस्ट्रियल होगा, ये लेवल 10 में होगा अर्थात 56,100 इसके बेसिक की शुरुआत होगी। आइए और आगे देखें क्या क्या इन्होंने लिखा है। इसमें देखिए प्रस्ताव है कि एज जो है उम्र आपकी 35 साल होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी और बाकी चीज़ें इसमें बाद में आएंगी। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, मतलब एमए हिंदी होना ही होगा आपको और ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक विषय पढ़ा होना चाहिए। उसके साथ इन्होंने कहा है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात NET ये क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इस पद के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो बस इतना कर लीजिए, एमए पास हैं, ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो नेट भी क्वालिफाई कर लीजिए, जब तक इसकी अधिसूचना आएगी आपका नेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास यह नहीं है तो उनका अगला जो शब्द है ये कहता है और PhD इन हिंदी, अगर आप हिंदी में PhD हैं तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग जो हमारे मित्र हैं, कई लोग PhD हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़े ग्रेजुएशन में, उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इन्होंने डिजायरेबल में लिखा है वांछनीयता, मतलब हो तो अच्छा है, नॉलेज ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल, 8वीं सूची में उल्लेख किए हुए किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। और उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा अनुभव और मांगा है PhD होल्डर से, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग हिंदी इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल, मतलब आप केंद्र या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 1 वर्ष तक हिंदी पढ़ाए हों। इन्होंने आगे यह लिखा है कि क्वालिफिकेशंस
आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जो संबद्ध अधिकारी हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरी बिंदु लिखी हुई है क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन, मतलब आपके क्वालिफिकेशन में अगर आपकी चीज़ें अच्छी देखते हैं तो आपके इस क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इस तरह से ये प्रस्ताव मांगा गया। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जो लोग प्राध्यापक हैं उनके लिए क्या है, प्रोबेशन क्या है। कुल निचोड़ इस पत्र का यह है कि आप अगर इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सलाह तो लोग देंगे ही देंगे, नहीं तो 30 दिन बाद ये लागू माना जाएगा या लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सहायक निदेशक भाषा पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो मित्र चूक गए हैं, केवल MA हिंदी हैं, PhD हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है और आप प्रयास करिए ताकि इसकी अधिसूचना आते तक आप पूर्णतः तैयार हों। आशा है यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आपके जो मित्र हैं, बंधु हैं, अगर आप चाहते हैं उनकी भी नौकरी लगे इस प्रकार से, तो आप उनको भी यह सूचना भेज सकते हैं। और हाँ, चलते चलते मैं अवश्य कहूँगा कि अब समय आ गया है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि अब से मैंने नई नई जानकारी, कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ देना प्रारंभ किया है। और ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब ना किए हों और घंटी वाला आइकन नहीं क्लिक किए हों तो आप किसी अच्छी सूचना से चूक जाएं। जैसे अभी रेलवे के बारे में मैंने सूचना दिया, काफ़ी मित्र चूक गए थे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।